नमस्कार, मैं आंचल, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बराफात को लेकर कोतवाली में नागरिकों के साथ बैठक हुई। इसमें एसडीएम तुषार सैनी ने कहा कि पुराने रूट से ही जुलूसे मोहम्मदी निकाली जाए। इस दौरान शांति बनाए रखे। बैठक में बिजली पानी की समुचित व्यवस्था बनाए रखने की मांग की गई। आयोजित बैठक में हाजी शमशुल्लक मलिक ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी जुलूसे मोहम्मदी भव्य रूप से निकलेगी। उन्होंने जुलूस के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की तैनाती की मांग की। मौलाना आरिफ उल कादरी ने त्यौहार पर बिजली व पानी की समुचित व्यवस्था की मांग की। उन्होंने कहा कि रोशनी के पर्व पर रायका मैदान में दमकल वाहन की तैनाती भी की जाए। इस पर एसडीएम ने कहा कि जुलूस में किसी भी तरह अशांति नहीं होनी चाहिए, आपसी सद्भाव बनाए रखें। उन्होंने बिजली व पानी की व्यवस्था चौक चौबंद रखने का भरोसा दिलाया। के संबंध में आज एक विषय मीटिंग हुई है और उसके जुलूस का कार्यक्रम है, उसकी रूपरेखा जो है निर्धारित कर दी गई है और सभी जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए और एक इसका पूरी रूपरेखा इसका रूट मैप और पूरी कार्यक्रम इस तरह से क्या क्या उसमें प्रशासन की या अन्य लोगों की क्या क्या उसमें रोल रहेगा उसे भी डिसाइड किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।